स्वागत है आपका। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच जो है वो बारिश की वजह से हुआ रद्द, और अब यहां पर 18 सितंबर को खेला जाना है दूसरा T20 मैच जो कि मोहाली के क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो खेला जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इस मैच का प्रीव्यू करेंगे और दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की प्लेइंग 11 हो सकती है, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतने वाली है दूसरा T20 मैच, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टाइमिंग की, तो शाम 7 बजे से ये मैच जो है वो शुरू हो जाएगा और एग्जैक्ट हमें 7 बजे से देखने को मिलेगा, क्योंकि वेदर रिपोर्ट की अगर बात करें तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और पूरा क्लियर वेदर है यहाँ पर मोहाली का। पूरा मैच हमें देखने को मिलेगा और शुरू से मैच जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी चांसेस रेन के यहाँ पर नहीं है, तो ये काफी अच्छी खबर है। मैच से पहले लाइव स्ट्रीमिंग की अगर बात करें तो स्टार स्पोर्ट्स पर ये मैच जो है वो लाइव आने वाला है, और अगर आपको मोबाइल पे देखना है तो हॉटस्टार पर आप इस मैच को लाइव जो है वो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 किस तरह की हो सकती है दोनों ही टीमों की। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की, तो कई सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं इस T20 स्क्वाड से बाहर है, जिनमें जसप्रीत बुमराह है, MS धोनी है, भुवनेश्वर कुमार है, चहल है और कुलदीप यादव है। ये सारे बड़े खिलाड़ी जो है इस T20 स्क्वाड से बाहर है, यानी कि ये खिलाड़ी हमें प्लेइंग 11 में दिखाई नहीं देने वाले। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन जो है ओपन करने वाले हैं, नंबर 3 पर होंगे कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर यहां पर ऋषभ पंत होंगे जो कि इकलौते विकेट कीपर बैट्समैन है, नंबर 5 की अगर बात करें तो सुरेश अय्यर और मनीष पांडे इनमें से कोई एक खेलने वाला है। इनके बाद दोस्तों ऑलराउंडर्स होंगे हार्दिक पांड्या, रविंदर जडेजा और कुरनाल पंड्या, और प्रॉपर बॉलर्स की अगर बात करें तो राहुल चहर जो है वो होने वाले हैं रिस्ट स्पिनर। इनके बाद दोस्तों नवदीप सैनी और खलील अहमद, ये दो जो है प्रॉपर फास्ट बॉलर होने वाले हैं। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो टीम इंडिया की होने वाली है, जहां पर मुश्किल ही हमें कोई चेंज जो है वो देखने को मिले। बात करें दोस्तों साउथ अफ्रीकन टीम की, तो काफी सारे चेंजेस साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में हुए हैं और बिल्कुल नई प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की हमें नजर आने वाली है। ओपनिंग करेंगे कप्तान क्विंटन डिकॉक और इनके साथ रीजा हेंड्रिक्स जो है ओपन करते हुए हमें नजर आएंगे। वाइस कैप्टन आरवी डसन जो है वो हमें नंबर 3 पर नजर आने वाले हैं। नंबर 4 पर दोस्तों डेविड मिलर होंगे, नंबर 5 पर टी बबूमा होंगे, नंबर 6 पर होंगे जॉर्ज लिंडे, तो 7वें नंबर पर होंगे एंडिले फिलिक वायो। इनके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर ड्वेन प्रिटोरियस होंगे, इनके बाद रबाडा, जूनियर डाला और आखिरी में तबरेज शम्सी जो है वो हमें नजर आने वाले हैं। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो नजर आने वाली है साउथ अफ्रीकन टीम की, और इंडिया की प्लेइंग 11 की बात हमने पहले ही कर ली है। तो दोस्तों दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की हमने बात करी, काफी अच्छी प्लेइंग 11 दोनों ही टीम की लग रही है। यहां पर अब ये T20 सीरीज जो है सिर्फ 2 मैचों की बची हुई है, क्योंकि पहला मैच बारिश की वजह से हो चुका है रद्द, यानी कि जो भी टीम ये T20 मैच जीतेगी वो यहां पर सीरीज को नहीं हारेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये दूसरा T20 मैच है। आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतने वाली है दूसरा T20 मैच? क्या इंडिया यहां पर आराम से जीतेगी या फिर साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो जीत सकती है इस T20 मैच को? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।